देश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए सूरत में तैयार है पहली स्टील स्लैग सड़क। 1 किलोमीटर लंबी ये सड़क भविष्य में बनने वाली सड़कों का अक्स है। आधुनिक तकनीक का ये कमाल अब तरक्की की मिसाल बन गया है। सूरत के इंडस्ट्रियल इलाके हजीरा में नई तकनीक से इस रोड को बनाने का प्रयोग किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की मदद से CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सड़क को तैयार किया है। इस सड़क के निर्माण में स्टील स्लैग एग्रीगेट का उपयोग किया गया है। 6 लेन में बनी सड़क में ऊपर से नीचे तक कुल 5 लेयर में स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इस सड़क का लोकार्पण किया। देखिए, इसकी लंबाई मुझे बताया गया 1 किलोमीटर है, और जो मैंने बताया आपको कि जहाँ तक खर्च की बात है, तो जो नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं, जो आप देखते हैं पहाड़ों को तोड़ करके ब्लास्ट करके बनाया जाता है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट भी है वो 30 से 40% तक कम होगा। तो ये तो विन विन सिचुएशन सबके लिए है ना। अगर आप देखिएगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो हमारा जो वेस्ट था उसका भी हमने यूज कर लिया, जो हमारे पहाड़ों को तोड़ करके बनाना पड़ता है ब्लास्ट, वो भी हमारा पहाड़ बच गया। स्टील स्लैग एक वेस्ट मटेरियल होता है जो स्टील उत्पादन के बाद स्टील फैक्ट्री से निकलता है। अभी तक स्टील स्लैग का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता था, लेकिन अब इसके इस्तेमाल से सड़क बनाई जा रही है। स्टील स्लैग सड़क को बनाने में लागत भी कम आती है और ये दूसरी सड़कों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। इसका अगर देखिएगा जो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी जो ताकत है, इसकी शक्ति है, वो भी जो हमारे और रोड बनाए जाते हैं उससे बेटर है। साल 2030 तक भारत में करीब 60 मिलियन टन स्लैग निकलेगा। इस तकनीक के विकसित होने से देश में सड़क निर्माण को रफ्तार मिलेगी। साथ ही सरकार स्टील स्लैग को निर्यात करने की योजना भी बना रही है। इससे देश के विकास को रफ्तार मिलने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सूरत से संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।